बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद पाकिस्तान। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको गूगल मीट पे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया। यहाँ पर आपने अपना जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना है। तो मैंने अपने सिस्टम के ऊपर पहले से जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही आप अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद आपने जिसने आपको इनविटेशन सेंड किया है उसकी ईमेल को ओपन करें। मुझे यहाँ पे अली ने इनविटेशन सेंड किया है, मैं उसकी ईमेल को ओपन करता हूँ। और जो उसने लिंक सेंड किया है मैं उसके लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी मीटिंग ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस डिस्प्ले होगा, जिसमें सबसे पहले तो आपने अपना कैमरा टर्न ऑफ करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है टर्न ऑफ कैमरा, फिर आपने करना है माइक्रोफोन टर्न ऑफ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टर्न ऑफ माइक्रोफोन। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा साइड के ऊपर ज्वाइन नाउ। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक किया। जब आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। आपके पास कुछ इस तरह के आइकॉन्स डिस्प्ले होंगे, साथ में आपको नज़र आ रहा होगा कि मीटिंग के अंदर कितने लोग हैं, और आपने अगर कोई मैसेज सेंड करना तो वो भी कर सकते हैं। मैं वन बाई वन सारी फंक्शनैलिटीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने मीटिंग के अंदर किसी को मैसेज सेंड करना है तो यहाँ पे आप चैट विद एवरीवन के ऊपर क्लिक करें। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख के मैसेज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने एक मैसेज लिखा और मैं सेंड करूँगा तो जितने भी मेंबर्स इस मीटिंग के अंदर होंगे सबको ये मैसेज नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि इस मीटिंग के अंदर कितने लोग हैं टोटल, तो आप यहाँ पर शो एवरीवन के ऊपर क्लिक करें। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि टोटल दो लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, और कौन कौन है वो भी यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर इसके बाद आप कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें प्रेजेंट नाउ। जैसे ही आप प्रेजेंट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शंस डिस्प्ले होंगी, योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो, अ टैब। तो आप योर एंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन दूसरों को शो होना शुरू हो जाएगी, जितने भी मेम्बर हैं इस मीटिंग के अंदर। योर एंटायर स्क्रीन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक पॉपअप डिस्प्ले होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा। इस शेयर के ऊपर क्लिक किया मैंने और ये मेरी स्क्रीन दूसरों को शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्क्रीन मेरी दूसरों को शेयर हो गई है। आप इसको हाइड कर देंगे यहाँ से। और अगर जब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ ओपन करूँगा तो ये दूसरों को शो होगी। जिस तरह मैंने ये एक लोगो ओपन किया है तो ये सारों को डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद अगर आपने शेयरिंग को स्टॉप करना है तो आप यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, यू आर प्रेजेंटिंग। यहाँ पे आ रहा है कि यू आर प्रेजेंटिंग, अभी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। जैसे ही आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप प्रेजेंटिंग। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयर होना बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना सबसे पहले तो टर्न ऑन माइक्रोफोन करेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका माइक्रोफोन ओपन हो जाएगा इस तरह से। फिर आप अपना सवाल पूछने के बाद माइक्रोफोन को बंद कर देंगे। अगर आप अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं आप अपना कैमरा ऑन करेंगे यहाँ से, जिस तरह से मैं यहाँ से कैमरा ऑन करता हूँ अपना, और ये मेरा कैमरा ऑन हो गया। यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा आपकी फ्रंट कैमरा लैपटॉप का ऑन हो जाएगा। फिर आपने जब कैमरा टर्न ऑफ करना होगा तो फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा टर्न ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन गूगल मीट के अंदर नहीं होता। अगर आपका अकाउंट किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट से एफिलेटेड नहीं है, सिंपल जीमेल से अगर आपने लॉगिन किया है तो आप मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जिस तरह से इसमें कोई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा।
उसके बाद अगर आपने मीटिंग को लीव करना है और मीटिंग को आपने बंद करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लीव कॉल। लीव कॉल पे क्लिक करने पे आपकी मीटिंग बंद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लीव कॉल के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरी मीटिंग यहाँ पे यू आर लेफ्ट द मीटिंग, मेरी मीटिंग लेफ्ट हो गई है यहाँ से। तो इस ट्यूटोरियल में ऑलमोस्ट मैंने सारी फंक्शनैलिटीज़ को कवर कर दिया है गूगल मीट की। जज़ाकअल्लाह खैर। Thank you.